इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। लेबनान पर इसराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये इसराइल का बहुत बड़ा बदला है। हाइफा पर हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक के 24 घंटे के अंदर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया है। ज्यादातर एयर स्ट्राइक दक्षिण लेबनान में हुई हैं और इन हमलों के बाद लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इसराइल के अटैक में 492 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बहुत साफ है कि लेबनान और इसराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त आधिकारिक रूप से घोषित हो सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, इसराइल ने हिजबुल्ला के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया है। लेबनान पर इसराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हुई है। अच्छी खासी संख्या है, 492 की लोगों की मौत हुई, जबकि 1000 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। ये इसराइल का अब तक का बहुत बड़ा हमला और बहुत बड़ा बदला बताया जा रहा है। هلا في اعتداءات عم بتصير في منطقة البقاع غير الاعتداءات في منطقة الجنوب. الحصيلة الحالية اللي متوفرة لغرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة العربية الشهداء. तो ये चार तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए किस तरीके से महायुद्ध हो रहा है और अब तक का सबसे बड़ा बदला इसे बताया जा रहा है। अपने दर्शकों को बता दें कि इजरायली हमले में 492 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल में हिजबुल्ला के हमलों के बाद अब तक का सबसे बड़ा बदला लिया है। हिजबुल्ला के 1600 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया गया। पहली तस्वीर लेबनान में देखिए किस तरीके से सबसे बड़ा हमला हुआ है और 492 लोगों की मौत हो गई। देखिए किस तरीके से बमबारी की गई, धुआं ही आपको आसमान में नजर आ रहा होगा। और बड़ी बात यह है कि 492 जिनकी मौत हुई है उसमें मरने वालों में 35 बच्चे शामिल हैं, यानी कुल मिलाकर अब ये तस्वीर महायुद्ध की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेबनान पर इसराइल की इस बमबारी में 492 लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए, 35 बच्चे मरने वालों में शामिल हैं। इसराइल का अब तक का सबसे बड़ा बदला बताया जा रहा है। हिजबुल्ला के रॉकेट अटैक में 24 घंटे के अंदर इसराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया है। तो लेबनान पर मिसाइल अटैक के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने लेबनान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है और दावा किया है कि उनकी जंग लेबनान के लोगों के लिए साथ नहीं है, बल्कि हिजबुल्ला के साथ है। वो कह रहे हैं कि ये जो जंग है वो लेबनान के लोगों के साथ नहीं, बल्कि हिजबुल्ला के साथ है, जो बहुत लंबे वक्त से लोगों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Once our operation is finished, you can come back safely to your homes. लेबनान अटैक के बाद इसराइल का बड़ा ऐलान आया। इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे, लेबनान अटैक के बाद इसराइल का बड़ा ऐलान भी। इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। लेबनान सीमा पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उसके साथ साथ 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान इसराइल के अंदर कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा हमला इसराइल की तरफ से लेबनान पे किया गया और लेबनान अटैक के बाद अब इसराइल ने ऐलान कर दिया है, इमरजेंसी का ऐलान किया है 30 सितंबर तक। इसराइल के अंदर 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान है लेबनान सीमा पर। इसके साथ साथ अतिरिक्त फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। अब तक का सबसे बड़ा बदला लेबनान के खिलाफ लिया है इसराइल ने।
अटैक किया है। 492 लोगों की मौत हो गई है और ऐसे में इसराइल ने ऐलान करते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है अपने देश के अंदर 30 सितंबर तक। हमले के बीच हिजबुल्ला ने भी मिसाइल दाग दी है। उत्तरी इसराइल में रॉकेट से हमला किया गया है, कई रॉकेट को आयरन डोम ने विफल भी कर दिया। तो बड़ी खबर, हमले के बीच हिजबुल्ला ने मिसाइल दागी, उत्तरी इसराइल में रॉकेट से हमला किया गया, कई रॉकेट को बताया जा रहा है कि आयरन डोम ने विफल भी कर दिया है। यह तस्वीर महायुद्ध की है। कुल मिलाकर आपको समझाएं तो यह हुआ है कि इसराइल ने सबसे बड़ी सर्जिकल अटैक किया, लेबनान अटैक किया, 492 लोगों की मौत हुई और ऐसे में हिजबुल्ला के कई 150 के लगभग ठिकाने जो तबाह हुए, उन हमलों के बीच हिजबुल्ला ने भी मिसाइल दागी है। उत्तरी इसराइल में रॉकेट से हमला किया गया है, कई रॉकेट को आयरन डोम ने विफल भी कर दिया है। तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब यह मिसाइल भी दागी गई है। भाई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए नजर आए। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। तो एक तरफ इसराइल में 30 सितंबर तक इमरजेंसी का ऐलान, तो वहीं देखिए अब यहां पर क्या हो रहा है लेबनान के अंदर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा यह है कि गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है और ऐसे में हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। एहतियातन स्कूल कॉलेज बंद। इस दौरान लोग सुरक्षित जगहों पर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। तो ये देखिए लाल घेरे में तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर स्ट्राइक की गई है इसराइल की तरफ से, सबसे बड़ा अब तक का लेबनान पर यह हमला बताया जा रहा है। इसराइल ने एक बहुत बड़ा बदला लिया है और अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गाजा जंग शुरू होने के बाद लेबनान पर अब तक का ही सबसे बड़ा हमला है और ऐसे में अब लेबनान के अंदर क्या हो रहा है जरा ये भी जान लीजिए। हमले के बाद लेबनान में 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। एहतियातन स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए लेबनान में बंद है और इसके साथ साथ लोग अब सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। बेरूत में लेबनान की सेना को तैनात कर दिया गया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि लेबनान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जल्द शुरू किया जा सकता है। उत्तरी इसराइल में इस वक्त की इसराइल की सेना की तादाद भी बढ़ा दी गई है क्योंकि हिजबुल्ला की तरफ से एक बहुत बड़े हमले का डर भी अब बना हुआ है और इससे भी बड़ा डर यह है कि हाइफा पर अटैक के बाद इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हुआ है। इसराइल पर हिजबुल्ला की फादी मिसाइल गिरी और इन तस्वीरों को देखकर नेतन्याहू रात भर जागे और फिर सुबह उठते ही लेबनान में शुरू हुआ ऑपरेशन खल्लास। इन धमाकों को देखिए, नसरल्ला की भी रूह कांप जाएगी। मैसेज गजा के बाद लेबनान को दिया जा रहा है और इन धमाकों पर नेतन्याहू ने जैसे लिख दिया है। दक्षिण लेबनान में हुए इसराइल के हमलों में बड़ी तबाही हुई है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है कि इसराइल के इन धमाकों में 274 लोगों की जान चली गई है। इसराइल ने इतने बम गिराए हैं कि लाशें उठाना मुश्किल हो गया।
अब इसराइल ने लेबनान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्यों इसराइल ने लेबनान में ऐसे लाशें बिछा दी जैसे वो गजा में पिछले 12 महीने से कर रहा है? इसराइल क्यों लेबनान को गजा जैसा बनाना चाहता है? तो जवाब है कि हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के नाक में दम कर दिया है। इसराइल और लेबनान का बॉर्डर एक्टिव है और हिजबुल्ला से लड़ाई का सबसे खतरनाक दिन रहा 22 अक्टूबर जब हिजबुल्ला ने बड़ा रॉकेट अटैक कर दिया। सात अक्टूबर 2023 के बाद इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। मिसाइल अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है। ऐसे वीडियो इसराइल में वायरल हो रहे हैं जिन पर हिजबुल्ला की छाप लगी हुई है। एक साथ इतने हमलों को देखकर नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट में खलबली मच गई है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल के उस शहर पर हमला किया है जो आबादी के लिहाज से तेल अवीव के बाद इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये है हाइफा। हाइफा यानी इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह। हाइफा मतलब इसराइल का सबसे बड़ा औद्योगिक इलाका। हाइफा मतलब डिफेंस इंडस्ट्री। हाइफा मतलब इसराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़। क्या हाइफा पर हुआ हमला हिजबुल्ला का पेजर बम वाले अटैक का बदला है? क्या हाइफा को हिलाकर इसराइल को हिजबुल्ला ने सबसे बड़ी वार्निंग दे दी है? हिजबुल्ला ने इसराइल के उस अड्डे को टारगेट बनाने का दावा किया है जहां से फाइटर जेट उड़कर लेबनान पर बमबारी कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने अपना बड़ा टारगेट इसराइल रमात डेविड एयरबेस को बनाया है। ये एयरबेस हाइफा से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस एयरबेस और आसपास के इलाके में हिजबुल्ला ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। कुछ रॉकेट हाइफा में क्रियात बाइलिक इलाके में भी गिरे। यहाँ पर लगी आग से आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्ला की फायर पावर इसराइल के लिए कितनी हानिकारक है। फादी रॉकेट सीरिया के M302 रॉकेट की नकल बताया जा रहा है, लेकिन ये बात सच है कि हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले के बाद से ये हिजबुल्ला का सबसे बड़ा हमला है। इस अटैक में इसराइल का कितना नुकसान हुआ है इस पर नेतन्याहू अभी खामोश हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि हिजबुल्ला का हमला कितना खतरनाक था। इस वक्त इसराइल में जैसे धारा 144 लागू है, बाहर यानी सड़क और बाजार में 10 लोगों के एक जगह इकट्ठे होने पर पाबंदी लगी है, जबकि घरों या किसी बिल्डिंग के अंदर 100 लोगों को एक जगह होने पर मना किया गया है। हिजबुल्ला के हमलों के बाद उत्तरी इसराइल में बहुत ज्यादा खौफ है। जुलाई 2024 में इस ड्रोन वीडियो को रिलीज करके हिजबुल्ला ने इसराइल को चौंका दिया था, जब उसके एक ड्रोन ने इसराइल के कई खुफिया ठिकानों की रिकॉर्डिंग की और उसकी पूरी जानकारी बेरूत में हिजबुल्ला हेडक्वार्टर को भेज दी थी। पूरे इसराइल में इस ड्रोन फुटेज ने कोहराम मचा दिया था। तब हिजबुल्ला ने दावा किया था कि इसराइल के इंचिन इलाके और उसके बड़े ठिकानों की तफसील उसके पास पहुंच चुकी है। अब इसी ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल करके हिजबुल्ला ने इसराइल को काला रविवार वाला तोहफा दिया है। यह आग बता रही है कि हिजबुल्ला ने जो वार्निंग दी थी वो वाकई बहुत खतरनाक थी। 10 मिनट के वीडियो में इस ड्रोन ने ऐसे ऐसे ठिकानों को फिल्माया है जिसे देखकर नेतन्याहू को मोसाद समेत इजरायली सेना के हर कमांडर की मीटिंग बुलानी पड़ी। इस वक्त इसराइल लेबनान बॉर्डर के करीब कई इलाके खाली हो चुके हैं। लेबनान के बॉर्डर के आसपास 60 किलोमीटर के दायरे में 30,000 की आबादी अपना घर छोड़कर जा चुकी है, लेकिन दहशत इसराइल में भी है। उसके किरियात शमोना जैसे शहर खाली पड़े हैं। 1,00,000 से ज्यादा लोग दक्षिण इसराइल की तरफ कूच कर चुके हैं। हाइफा जैसे शहर में भी डर पसरा हुआ है। अब हाइफा और आसपास हुए रॉकेट अटैक ने युद्ध का तापमान बढ़ा दिया है। इसराइल और हिजबुल्ला का अघोषित युद्ध
युद्ध अब गजा पर बमबारी जैसा खतरनाक होता जा रहा है। 12वें महीने में इसराइल पर रॉकेटबाजी और लेबनान पर बॉम्बिंग से हालात ऐसे हैं कि शायद कोई दिन गुजरता हो दोनों में से एक पक्ष हमला नहीं करता है। पेजर बम वाले सीरियल ब्लास्ट के बाद हिजबुल्ला बड़ा बदला लेना चाहता है। लेबनान और इसराइल के बीच ताजा हमलों के बाद युद्ध पक्का माना जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला के टारगेट पर अब इसराइल के ऐसे ऐसे मिलिट्री बेस हैं जिसकी नेतन्याहू को उम्मीद भी नहीं थी। लेबनान पर इसराइल के भीषण हमले के बाद ईरान इसराइल के युद्ध का भी खतरा बढ़ गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने लेबनान में हमले को बेशरम अपराध बताया है। खामनेई ने इसराइल से हमले का बदला लेने की धमकी भी दी है, लेकिन हिजबुल्ला ने बड़े झटके बाद क्या फैसला किया है इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इजराइल के दुश्मन दहल रहे हैं। गाजा में, लेबनान में, यमन में, सीरिया में, जहां दुश्मन सिर उठाते हैं इजराइल बारूद बरसाता है। मिसाइल से मारता है, जंगी जेट से बम बरसाता है। पारंपरिक हथियारों की मार से बच जाने वाले दुश्मनों को इजराइल हाईटेक तरीके से सबक सिखा रहा है। इजराइल के हमले का जब तक दुश्मन अंदाजा लगाता है तब तक वो हमले की दूसरी किश्त चुकाने लगता है। पहले चलिए लेबनान और देखिए बेरूत की बर्बादी, जानिए हिजबुल्ला की तबाही। जलता बेरूत, खंडहर बस्तियां, बारूद से सनी बहुमंजिला इमारतें, खंडहर में सर्च ऑपरेशन, मुर्दा उगलती इमारतें, बारूदी बियाबान बन गया है बेरूत। बारूद से सने खंडहर में मुर्दे तलाशे जा रहे हैं। हर एक मुर्दों की शिनाख्त के साथ हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का गुस्सा भड़कता जा रहा है। इसराइल ने बीते 3 दिन में ऐसा बारूदी तांडव मचाया है जिसने हिजबुल्ला की चूले हिला दी है। इसराइल के हमले में अब तक नसरल्ला लड़ाकों की 31 कब्रें तैयार हो चुकी हैं। मारे गए लड़ाकों में 58 करोड़ का इनामी कुख्यात इब्राहिम अकील तो है ही, लेकिन उससे भी खूंखार कमांडर का सफाया इसराइल ने कर डाला है। इसराइल की एयर स्ट्राइक में 14 सीनियर टॉप कमांडर बेमौत मारे गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अहमद वहाबी। हिजबुल्ला के जिन कमांडरों की मौत पर मुहर लगा दी गई है उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। मोहम्मद अहमद रेडा, मोहम्मद कासिम अलत्तर, अहमद समीर दीप, अब्दुल्ला अब्बास हिजाजी, अरिफ अहमद अलराज, हसन अली हुसैन, अब्बास सामी मुस्लिमानी, हुसैन अहमद हदरोज, हसन यूसुफ अब्दुल सत्तेर, मेहदी मुस्लिम जमाल और जिहाद शफी खजल खान फर को इसराइल ने ताबूत में पहुंचा दिया है। नसरल्ला 11 के नाम से बदनाम इन लड़ाकों के लीडर इब्राहिम अकील और अहमद वहाबी का द एंड हो चुका है। अहमद वहाबी को नसरल्ला का सबसे भरोसेमंद और खूंखार कमांडर कहा जाता था, जिसे इसराइल ने कब्र में पहुंचाकर हिजबुल्ला की सीरिया लिंक को ब्रेक कर दिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अहमद वहाबी हिजबुल्ला की ट्रेनिंग प्रोटोकॉल का टॉप कमांडर था। हिजबुल्ला फाइटर को वॉर ट्रेनिंग देने से पहले वहाबी राडवान फोर्स का चीफ रह चुका था। बताया जाता है कि अहमद वहाबी ने सीरिया में बशर अल असद के लिए युद्ध में अहम किरदार निभाया था।
अहमद वहाबी के खात्मे के साथ ही अब सीरिया में हिजबुल्ला का नेटवर्क तबाह हो चुका है। من بيناتهم ثلاث أطفال أعمارهم 6 سنوات 4 سنوات وعشر سنوات وكذلك بيناتهم 7 نساء للشهداء اللي سقطوا بيناتهم 3 سوريين ولا يزال هناك عدد كبير من الأشلاء. इसराइल ने अब तक सिर्फ हिजबुल्ला के सैन्य कमांडरों को निशाना बनाया है, लेकिन हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह की इसराइल को आर पार के युद्ध की धमकी के बाद अब आशंका ये जाहिर की जा रही है कि नेतन्याहू नसरल्लाह के खात्मे का ऑर्डर देने में अब ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान।